children. Lastly, we have started the lunch time, and where some oranges, bananas, and biscuits have been distributed among children. Now, move forward. आगे बढ़ते हैं हम. Manjeet and Bhanu quickly finished their lunch. उन्होंने जल्दी से अपना lunch finish किया and start asking puzzles to pass the time. Time pass करने के लिए उन्होंने puzzles पूछना शुरू किया. Manjeet, tell me the number which is exactly between 100 and 150. तो जो आपका first question है, ये puzzle start हो गई. यहाँ पे बहुत सारे puzzles देखने को मिलेगी, ठीक है? तो हम इसको ए, इन्होंने कुछ और नाम दिए हैं, हम इसको ए बी सी, आपके बुक में ए बी सी डी ई, इसको हम एफ नाम दे देते हैं, ठीक है? एफ, ये सबसे बाद में शुरू हो रहा है, बट वी विल गिव इट एफ. तो आपको बताना है नंबर जो एग्जैक्टली 100 और इसके बीच में है. सॉल्यूशन अगर आपको दिखाना हो 100 एंड 150 के बीच का नंबर एग्जैक्ट, ठीक है? इफ़ यू विल फाइंड, हाउ विल यू फाइंड द नंबर बिटवीन दीज टू? तो पहले तो डिफरेंस देख लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालना होता है हमें. जब भी हमें मिडल नंबर निकालना हो, ये हमेशा के लिए है, मिडल नंबर निकालने के लिए आप हमेशा डिफरेंस निकालेंगे. डिफरेंस कैसे आ जाएगा? 150 माइनस, जिन दो नंबर के बीच का मिडल नंबर निकालना है, डिफरेंस क्या आ गया? 50. नाउ इसको डिवाइड बाय 2. मिडल नंबर मतलब हाफ, तो डिवाइड कर दो उसको, हाफ कर दो. डिवाइड इट बाय 2, 2 से उसको डिवाइड कर दो. जब 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, या तो ऐसे लिखिए या फिर 50 डिवाइड बाय 2, बोथ आर करेक्ट. तो जब डिवाइड करेंगे तो 50 का आधा मतलब हाफ करें ना. 2 से डिवाइड करना मतलब किसी भी चीज़ को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो हाफ करते हैं, यानी 25. क्या आया? 25. तो इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वो क्या होगा? 125. वो क्या होगा चिल्ड्रन? 125. ओके, तो वी विल राइट द मिडल नंबर बिटवीन 100 एंड 150 इज 125. ओके, क्योंकि आपको पता था, या तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपको नहीं पता चल रहा है, आपको सिंपली इसमें डिफरेंस दिख रहा है, तो यू कैन डू कि पहले इनका डिफरेंस निकाल लीजिए. 25 इनका मिडिल नंबर है, यानी 125 आप इसका आंसर ले सकते हैं. इसको और बहुत तरीके से कर सकते हैं, सिंपली भी आप जा सकते हैं कि 100 से इसके बीच में ये डिफरेंस है, ठीक है? तो 100 वो साथ में चल ही रहा है, समझ रहे हो? यहाँ पे वो 100 हटा नहीं है, 100 तो रहेगा क्योंकि हम 100 के बाद की बात कर रहे हैं. तो 25 नंबर आया है, लेकिन 100 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो 100 इसमें हमें ऐड दोबारा करना ही पड़ेगा 125 लिखने के लिए. मिड पॉइंट निकालने का, ये जो मिडिल पॉइंट निकालने का जो ईजी एक और तरीका है, ये थोड़ा टफ वन है आपके लिए, क्योंकि इसमें बाद में आपको 100 कैसे ऐड करोगे आप ये नहीं समझ पाओगे. तो इग्नोर इट, इसको इग्नोर करिए. आपके लिए ईजी वन मेथड क्या है कि आपको जो दो नंबर दिए हैं, कौन से नंबर दिए हैं? 100 एंड 150. ये दो नंबर का मिड पॉइंट निकालना है, इन दोनों को ऐड कर दो. जो भी दो नंबर के बीच का पॉइंट निकालना है, जस्ट ऐड देम, सिंपली ऐड देम. व्हेन यू विल ऐड 0, 5, 2, 250. जब एडिशन मिल गया, जो टोटल है उसको वहाँ भी डिवाइड किया था, यहाँ भी मेथड वही है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा चेंज है. बस इसमें सिंपल है, ऐड द नंबर देन डिवाइड बाय 2. किसको डिवाइड करना है? 2 से टोटल को. तो टोटल 250 था, उसको डिवाइड किया 2 से, तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों तरीके सही हैं. डिवाइड करेंगे मतलब हाँ, 2 से डिवाइड करना सबसे आसान डिवाइड करना है चिल्ड्रन. जब भी आप किसी को 2 से डिवाइड करते हो, तो जो भी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो उसका हाफ मिलता है. 250 का हाफ होता है 125. क्या होता है? 125. तो दो मिडिल नंबर क्या हो गया बिटवीन 100 एंड 150 इज 125. चिल्ड्रन, नाउ यू कैन सी एवरीवन हैज स्टार्टेड नाउ टू आस्क सम पजल्स. जैसे कि ये पजल जो पूछी गई है, आई गेव 4 टॉफीज ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स. ठीक है, मैंने अपनी 4 टॉफीज दे दी हैं अपने 4 फ्रेंड्स को. ठीक है, आई गेव 4 टॉफीज ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स. बहुत ध्यान से समझिए, 4 टॉफीज दी है ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड, हर एक अपनी एक 4 दोस्तों को. एंड 3 टॉफीज आर लेफ्ट विद मी, 3 टॉफीज मेरे पास बची है. हाउ मैनी टॉफीज डिड आई हैव, मेरे पास कितनी टॉफीज थी. ठीक है, तो अब आप इसको मुझे बताएंगे पहले, देन आई विल प्रोवाइड द सोल्यूशन. ओके चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एज आई कैन सी यू हैव आंसर्ड इन द क्लास. मेनी स्टूडेंट्स हैव कन्फ्यूज, देयर आर 2 आंसर इन द क्लास फॉर दिस क्वेश्चन. सम आर गिविंग इट एज 7,
total 7 toffees are there and some are giving it 19 toffees are there. One group is confused. Why it is confused? Let's see. देखिए, I gave 4 toffees. यहाँ पे बोला है उसने, उसने 4 toffees दी है each to 4 of my friends. 4 toffees दी है उसने total each to 4 of my friends. Each का मतलब होता है एक, each one, हर एक, each to, ठीक है, 4 toffees हैं each, हर एक toffee उसने दी है to 4 of my friends. यहाँ पे each से ही confused, अगर यहाँ पर each नहीं होता तो I have given 4 toffees to 4 of my friends. Each का मतलब आ गया कि जो 4 toffees थी, ठीक है, I have 4 toffees, मेरे पास 4 toffees हैं each, हर एक, to 4 of my friends, जिसमें से मैंने हर एक toffees अपने 4 friends को दी है, and 3 toffees are left with me, और 3 toffees मेरे पास बच गई हैं, तो how many toffees I will have, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 friends को उसने कितनी toffees दी है, 4 toffees, ठीक है, 4 toffees each to 4 toffees each to 4 friends. इसका मतलब ही क्या है चिल्ड्रन, टोटल 4 toffees डिस्ट्रीब्यूट हुई है एंड toffees left, कितनी toffees left है, 3, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये मेंटल मैथ है, इसको करने की ज़रूरत नहीं, बट आई नीड टू शो कि किया कैसे है. तो इस तरीके से कितनी toffees आएंगी चिल्ड्रन, देयर आर 7 toffees. लेट मी एक्सप्लेन यू, आई हैव 4 toffees आई गेव, 4 हैव नहीं, उसने 4 toffees दिए ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, 4 toffees दिए है, 4 toffee का चंक किसको दिया है, 4 ऑफ माई फ्रेंड्स, अपने 4 दोस्तों को दिया है, एंड 3 toffees आर लेफ्ट विद मी, उसके बाद 3 toffees मेरे पास बच गई हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 toffees each to 4 friends. तो 4 toffees, हर एक को 4 मिली है, यानी 4 into 4, 16. 16 toffees 4 friends को मिली है, and then 3 toffees बच गई है. तो total क्या होगा, 16 plus 3, 19. यानी इसके पास कितनी toffees हैं थी पहले बच्चे के पास, 19 toffees. Okay? If you will see the next question, what numbers can you make using 3 and 5 and 7? You can make 3, 5, 7, ठीक है, 3, 5, 7 बन गया, and एक number बन गया 5, 3, 7. आपको और numbers find out करने हैं, इन 3 numbers को use करते हुए आप कौन से और numbers बना सकते हैं. Okay children, now I will explain you the best way, how you can write numbers using any numbers. यहाँ पर आपके पास total देखो 3, 5, 7, 3, 5, 7, 3 numbers हैं, 3 number का आपको number बनाना है. तो एक बार आप पहला नंबर फिक्स कर लो, हमने पहला नंबर यहाँ फिक्स कर लिया 3, फिर 5, 7 लिख दिया. ओके, नाउ 3 तो फिक्स है, अब 5, 7 की पोजीशन चेंज कर दो, 7 पहले लिख दो, 5 बाद में लिख दो, तो ये एक नंबर, दो नंबर्स बन गए. नाउ टेक इट एज फर्स्ट नंबर, फर्स्ट प्लेस पे इसको ले लीजिए, यहाँ पे हमने इसको ले लिया 5 को, अब कौन से दो नंबर बचे, 3 और 7, तो 3 और 7, 37. नाउ इंटरचेंज, 5 तो फिक्स है, अब इंटरचेंज कर दीजिए इनकी पोजीशन, यानी 7 पहले, 3 बाद में. ओके, ये 2 नंबर्स बन गए. नाउ नेक्स्ट कम, अब हमारा कौन सा नंबर रह गया है, 7, ठीक है, अब 7 को आप फर्स्ट नंबर की तरह ट्रीट करेंगे, फिक्स कर दीजिए 7. नाउ 2 नंबर्स आर लेफ्ट, 3 और 5, तो ये मैंने 35. नाउ 7 इज़ अगेन फिक्स्ड, अब इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दीजिए, 5 पहले एंड 3 बाद में. इस तरीके से आपके 1, 2, 3 3 सेट्स बन गए, 2 नंबर के 6 नंबर्स हैं जो कि आप इनसे बना सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट, अ नंबर बिकम्स डबल इफ़ इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 8. एक नंबर को अगर हम 8 से इंक्रीज करते हैं, उसमें 8 ऐड कर देते हैं, तो वो जस्ट डबल हो जाता है. तो व्हाट इज़ द नंबर, आपको बताना है नंबर क्या होगा. ओके चिल्ड्रन, लेट मी एक्सप्लेन यू द आंसर. क्वेश्चन था कि एक नंबर में 8 ऐड कर दिया गया है, वो नंबर जस्ट डबल हो गया है, तो बेटा 8 के अलावा ऐसा कोई और नंबर नहीं हो सकता, 8 में ही आप 8 ऐड करेंगे. किसी भी नंबर में आप वो नंबर खुद ऐड करते हैं तभी डबल होता है. 2 में अगर कोई नंबर 2 से इंक्रीज़ करने पर डबल हो जाता है, तो इसका मतलब 2 में 2 ही ऐड किया होगा. कोई नंबर एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पर डबल होता है, इसका मतलब उसमें उसी नंबर में सेम नंबर में हमने ऐड किया है. हम बोले हमने 9 ऐड किया, 9 इंक्रीज़ किया, वो डबल हो गया, इसका मतलब आपने 9 में ही ऐड किया होगा. समझ लो, ये सिंपल है. 8 बढ़ाने पर डबल हो गया, यानी आपने 8 में ही ऐड किया होगा. तो वो नंबर क्या था चिल्ड्रन, 8. ओके इन दिस क्वेश्चन थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, 3, 5 एंड कम्स बिटवीन 25 एंड 50.
दिस क्वेश्चन इफ यू विल थिंक, आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, मतलब 2 के टेबल में भी आए, डिवाइड होने का मतलब टेबल में आए, 3 के टेबल में भी आए, 5 के टेबल में भी आए, एंड इन तीनों टेबल में वो नंबर आना चाहिए प्लस 25 और 50 के बीच में ही होना चाहिए, 25 से पहले का नंबर नहीं होना चाहिए एंड 50 के बाद का नंबर नहीं होना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, चिल्ड्रन सी, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, कि आपको नंबर सोचना है ऐसा जो 2, 3, 5 तीनों से डिवाइड हो जाए, प्लस 25 और 50 के बीच में हो, सॉरी इट इज 50, प्लस 25 और 50 के बीच में होना चाहिए. ओके, द नंबर्स बिटवीन 25 एंड बिटवीन 25 एंड 50 डेट आर डिविजिबल बाई 2. पहले हम 2 के जो 2 2 से डिवाइड हो पाएंगे. देखो 25 तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड क्या होते हैं, जिनके नंबर बेस जिसके पीछे 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ठीक है, इस तरीके से 2 से डिवाइड नंबर निकालते हैं. तो 2 का अगर आपने कभी टेबल देखा हो तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 एक छोड़ के एक नंबर आता है. तो ऐसे 26 एंड 27 नहीं होगा डिवाइड, 28 हो जाएगा, 30 32 एक छोड़ के एक नंबर हमने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि बिटवीन है. बिटवीन का मतलब हमें 50 नहीं 25 नहीं लेना है और 50 भी नहीं लेना है, इनके बीचों बीच 25 वी विल नॉट टेक, 50 वी विल नॉट टेक. तो वी हैव रिटन ऑल नंबर्स बिटवीन 25 टू 50 डेट आर डिविजिबल बाई 2. नेक्स्ट डिविजिबल बाई 3 देखेंगे हम. 3 में 25 तो होगा नहीं, 3 9 27 होता है ना, 3 9 27 3 10 30 देन फिर आप 3 प्लस करते जाइए, 3 प्लस करेंगे 33, 3 प्लस करेंगे 36, 3 प्लस करेंगे 39. टेबल कैसे होता है, जिसका भी टेबल बना रहे हो वो उसमें प्लस करते जाओ, टेबल आपका बढ़ता जाता है. तो अब इसके आगे आप बढ़ा नहीं पाएंगे 48 के बाद, ठीक है. नाउ नेक्स्ट डिविजिबल बाय 5. अब 5 5 25, बट 25 से स्टार्ट नहीं करना है, 25 के बाद से स्टार्ट करना है. तो वी विल नॉट टेक. 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 फिर 50 आ जाएगा, अगेन 50 हमें नहीं लेना है. तो अगर आप देखें सबसे, देखो 30 इसमें आया है, सबसे पहले तो 30 देखो, 30 इससे स्टार्ट करो, 30 इधर है, क्या इधर 30 है, क्या इधर 30 है. तो पहला नंबर हमें कौन सा मिल गया, 30 है, जो कि तीनों टेबल्स में आ रहा है. नेक्स्ट 35 यहाँ पे है, यहाँ पे 35 नहीं है, तो फिर दूसरे में देखने का मतलब नहीं है. 40 यहाँ पे है, यहाँ पे 40 नहीं है, तो वहाँ देखने का मतलब ही नहीं है. देन 45 यहाँ पे है, 45 यहाँ पे, बट 45 यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ कौन सा नंबर है वो चिल्ड्रन, 30. एंड अ स्मॉल एंड क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट बट स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर. एक एंट जो है 3 सेंटीमीटर चढ़ती है 1 मिनट में, पर उसी मिनट के अंदर 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है. तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइंब 2 सेंटीमीटर, तो टोटल 2 सेंटीमीटर पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा. ओके चलो, नाउ अंडरस्टैंड इट अगेन, कि जो स्मॉल एंट थी वो 3 सेंटीमीटर चढ़ती है. अगर आपको मैं समझाऊँ यहाँ पे, लेट इट बी कि ये मैंने एक डिस्टेंस ले लिया है, वो 1 मिनट में कितना चढ़ जाती है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर वो चढ़ गई. देन उसी मिनट वो वापस फॉल डाउन हो जाती है, फॉल डाउन हो जाती है कितना, 2 सेंटीमीटर फॉल डाउन हो गई. तो ये कितना फॉल डाउन हो गई है, 2 सेंटीमीटर. तो उसने उस 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मिनट में ओनली 1 सेंटीमीटर, कितना कवर किया, 1 सेंटीमीटर. तो बेसिकली अब हमने यही निकाला है कि एक एंट क्लाइंब करती है 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर, स्लिप डाउन वापस हो जाती है, गिर जाती है 2 सेंटीमीटर तक. तो टोटल डिस्टेंस उस 1 मिनट के अंदर कितना किया, पहले 3 चढ़ी सेंटीमीटर, फिर 2 उतर गई, स्लिप हो गई, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर पाई, बस 1 सेंटीमीटर 1 मिनट में. तो 2 सेंटीमीटर कब, 2 सेंटीमीटर कितने मिनट में करेगी चिल्ड्रन, 2 मिनट में करेगी. ओके ओके चिल्ड्रन, कैन यू, हम वी हैव सॉल्व्ड ऑल ए बी सी डी ई पजल, नाउ विच बोर्ड डू वी टेक. नेक्स्ट टॉपिक है विच बोर्ड डू वी टेक ऑन पेज नंबर 31 इटसेल्फ. ओके, they are so lost in puzzles that they do not notice that they have reached the lake. वो इतने बिजी हो गए कि उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि वो लेक पहुंच गए. बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, जो भोपाल है वो इज़ अ लेक सिटी, इज़ फेमस फॉर लेक सिटी, ठीक है. तो लेक नहीं देखा तो भोपाल नहीं गए. ओके, इट इज़ अ वेरी बिग लेक विद अ स्मॉल आइलैंड इन इट. बहुत ही बड़ी लेक है, एक छोटा सा आइलैंड, आइलैंड मतलब टापू, लेक के बीच में थोड़ा सा लैंड है, बाकी चारों तरफ उसके पानी पानी है. द लेक लुक्स वेरी ब्यूटिफुल एट दिस टाइम. देयर आर लॉट ऑफ डक्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, यू कैन सी द डक्स. सम चिल्ड्रन गिव दैम पॉपकॉर्न एंड सम चिल्ड्रन गिव दैम पॉपकॉर्न. ओके, नाउ
नाउ कम्स द एक्साइटिंग पार्ट. अब एक्साइटिंग पार्ट आता है, इट इज़ टाइम टू गो फॉर बोटिंग. यस, भोपाल गए और लेक नहीं गए तो वह क्या गए. एंड इफ़ यू रीच द लेक, अगर आप लेक पहुँच गए एंड बोटिंग नहीं की, देन ऑल्सो व्हाट्स द बेनिफिट टू गो लेक, तो बोटिंग तो करनी है. दे हैव टू चूज विच बोट टू टेक, बट दिस इज़ नॉट ईजी. बहुत तरह तरह की बोट है, दे हैव टू चूज. अब 200 स्टूडेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग बोट चूज करना है, इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोट, ईच हैज़ अ डिफरेंट टिकट्स प्राइस एंड ऑल्सो डिफरेंट ट्रिप टाइम. ठीक है, जैसे कि डबल डेकर एक बोट है जिसका टिकट है 30 रुपीज़, और वो कितना मिनट घुमाएगी आपको, 45 मिनट्स. डबल डेकर पता लग रहा है, शायद दो लेयर की होती होगी वो बोट, एंड मे बी डबल राउंड लगा के आती होगी. पैडल बोट जिसमें आप पैडल लगाएंगे, खुद ही पैडल मारने आपने, तो वो तो सिर्फ 15 रुपीज़ में हो जाएगा और 30 मिनट्स के लिए मिलेगा. मोटर बोट जो मोटर से चलती है वो 25 रुपीज़ लेगी टिकट के, एंड 20 मिनट आपको विजिट कराएगी. बोट विद ओर्स, जो बोट है ओर्स के साथ, वो 15 रुपीज़ है और 15 रुपीज़ में मिल जाएगी आपको सिर्फ बोट. ठीक है, ओर्स के साथ और 45 मिनट्स के लिए मिलेगी. इस तरीके से आपको बोट के चार्जेस दिए हुए हैं. ठीक है, फोर ऑफ अस विल टेक अ पैडल बोट एंड रेस विद गौरी एंड हर ग्रुप. डिस्कशन चालू हो गया कि हम चारों क्या लेंगे, पैडल बोट लेंगे और रेस करेंगे गौरी और उसके ग्रुप के साथ. नेक्स्ट, वी विल टेक द मोटर बोट. अब नेक्स्ट कह रहे हैं मोटर बोट लेंगे, इट इज़ कॉस्टली बट फन. लेकिन फ़न भी आएगा, कॉस्टली है मोटर बोट बट फन आएगा. ठीक है, उससे पहले पैडल बोट डिस्कस कर रहे थे लोग, इस तरीके से बच्चे आपस में ये सब डिस्कस कर रहे हैं. ओके चिल्ड्रन, इसमें आप देख सकते हैं ये टेबल से आपको बहुत काम आएगा. नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टेबल. ओके, बच्चों का डिस्कशन हो गया. आप किया क्या, इंदिरा एंड भानु दो स्टूडेंट हैं, वो पहले किस में गए, मोटर बोट में, एंड देन टुक द ओर बोट. उसके बाद उन्होंने ओर बोट ले ली. तो हाउ मच डिड दे पे फॉर द बोट, द बोट्स. ये बुक पुरानी है, ये क्वेश्चन, ये आंसर भी रॉन्ग है. ओके चिल्ड्रन, तो उन्होंने कितना टाइम लिया दोनों बोट के लिए. तो अगर इफ़ यू विल फाइंड आउट, सबसे पहले उन्होंने ली थी कौन सी, मोटर बोट है ना, मोटर बोट. मोटर बोट का प्राइस अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ मोटर बोट. मोटर बोट का प्राइस कितना, 25 रुपीज़. इंदिरा एंड भानु दो बच्चे हैं तो 25 टू टिकट्स लगेगी. तो मोटर बोट पे कितना लग गया, 50 रुपीज़. इसके बाद वो और बोट पे गए हैं, और बोट का प्राइस कितना है, 15 रुपीज़. तो 15 रुपीज़ दोनों, दो टिकट्स का 15 30 रुपीज़. तो 30 रुपीज़ और बोट में दिया दोनों बच्चों ने, और 50 रुपीज़ मोटर बोट में दिया. टोटल कितना दिया उन्होंने दोनों बोट्स का, 80 रुपीज़. ठीक है, ये हमारा टोटल आ गया. नाउ उसके बाद वो पूछ रहा है हाउ मच टाइम दे विल गेट फॉर बोथ द राइड्स. बोथ द राइड्स के लिए तुमको टाइम कितना मिलेगा. तो टाइम की बात रही, अब आप देखिए टाइम तो दो बच्चे जाए, चार बच्चे जाए, पाँच बच्चे जाए, एक ही मिलेगा. ठीक है, तो टाइम ऑन मोटर बोट आपको देखना पड़ेगा टेबल में. मोटर बोट के लिए टाइम कितना लिया था, मोटर बोट का जो टाइम अगर आप टेबल में देखेंगे, इट इज़ मोटर बोट का 20 मिनट और ओर बोट का 15 मिनट. ठीक है, मोटर बोट का 20 मिनट एंड ओर बोट का 45 मिनट्स. ओके, 45 मिनट्स है. तो हम कितना है, 20 मिनट्स है आपका इसका, एंड टाइम ऑन ओर बोट. ओर बोट पे कितना टाइम लगेगा, जो उन्होंने दिया है 45 मिनट्स. ठीक है, तो टोटल टाइम, टिकट्स कितनी भी हो, टाइम तो एक ही लगेगा ना, समझ रहे हो आप मेरी बात. तो इट इज़ 65 मिनट्स. 65 मिनट्स दोनों ने बोटिंग कर ली है. क्वेश्चन है वन ग्रुप ऑफ चाइल्ड, मैं इसमें देख लेती हूँ. वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप. एक पूरा ग्रुप डबल डेकर के लिए चला गया. दे पेड रुपीज़ 450. सी बेटा, जो बच्चे कैलकुलेट कर रहे थे, सिर्फ एक टिकट का नहीं होता है. दे, उन्होंने मतलब कुछ पूरे ग्रुप ने मिल के 450 रुपीज़, 450 रुपये, 450 रुपीज़ पे किया है टोटल. तो हाउ मैनी चिल्ड्रन वेंट फॉर डबल डेकर ट्रिप. अब टोटल हमें पता है, हमें बच्चे निकालने हैं. तो हमें जब भी हमें एक नंबर ऑफ निकालना हो, टोटल चीज़ कुछ दी हो और हमें पता है कि एक टिकट कितना लगेगा, तो वी हैव टू डिवाइड हेयर. हमें क्या करना होता है, डिवाइड. टोटल प्राइस पता है और एक टिकट का प्राइस पता है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैसे निकालेंगे, टोटल प्राइस को एक टिकट के प्राइस से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे देखो इकट्ठा पे किया है. ऐसे ही भानु और इंद्रा ने भी मिलके 80 रुपीज़ पे किए थे. ऐसे ही एक ग्रुप है, कितने बच्चे हैं वो नहीं पता, पर सबने मिलके इकट्ठे 450 पे किए हैं. टोटल अमाउंट पेड
450, ठीक है। प्राइस ऑफ वन टिकट ऑफ डबल डेकर का प्राइस क्या है एक टिकट का चिल्ड्रन? यस, डबल डेकर का प्राइस है 30 रुपीज़। नाउ अब आपको निकालना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उस ग्रुप में कितने बच्चे थे, तो टोटल प्राइस जो है वो लिखेंगे ऊपर, उसको डिवाइड कर देंगे 30 से, ठीक है। आप इसको डिवाइड करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक तरीका तो सिंपल ये होता है डिवाइड की, इसको उसके नीचे लिख लेते हैं जिससे डिवाइड करना है, ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, फिर थ्री के टेबल में 45 कहाँ पे आता है इसको कट करके देखते हैं, 3 1 3, 3 के टेबल में 1 पे आ गया एंड ये 3 1 3, अब ये 4 था तो एक जो होता है वो इसके आगे आके लग जाता है 15, तो 3 5 15, बेसिकली कितने बच्चे गए 15 चिल्ड्रन। ये आप धीरे धीरे सीख जाएंगे ये मेथड, नहीं तो आप सिंपल डिवाइड कर लीजिए 30 31 30, 32 60, 60 से बड़ा हो जाएगा यानी 1 पे जाएगा, 31 30। अब हम माइनस करते हैं, जब भी हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो माइनस करते हैं, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 1, 4 में से 3 गया 1, 15, अब यहाँ पे क्या बचा है 0, ठीक है। अब 31 30, 32 60, 33 90, 34 120, 35 150, 35 150, इस तरीके से ये पूरा कट गया। अब ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, आंसर कितना आया 50 चिल्ड्रन, तो 15 चिल्ड्रन का ग्रुप गया है डबल डेकर लेके जिन्होंने 450 पे किया है। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू, पोएम हमें क्या करने को कहती है। द पोएम टेल्स अस टू रन टू द कंट्री ऑल थ्रू द डे एंड बी मैरी, हमें पोएम कहती है कि रन टू द कंट्री मतलब कंट्री से दूर चले जाओ और ऑल थ्रू द डे पूरा दिन हैप्पी रहो। राइट अबाउट द प्लेसेज वेयर द पोएट वॉन्ट्स टू रन, वो सारे प्लेसेज लिखने हैं जहाँ पोएट रन करना चाहता था। द पोएम पोएट वॉन्ट्स अस टू रन, हमें पोएट चाहता था कि हम रन करें टूवर्ड्स द कंट्री थ्रू आउट द डे, अंडर द ट्रीज मतलब बीनीथ द ट्रीज ट्रीज के नीचे, डाउन द हिल साइड के नीचे, अप द स्ट्रीट थ्रू द मीडियो, ठीक है। मीडियो अ पीस ऑफ ग्रास लैंड, मतलब ग्रास लैंड को मीडियो कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज से अलाउड, इसको आपको पढ़ना है, बीनीथ ब्रीज मीट फेयर ईच मीडियो, बीनीथ यू नो किसी चीज़ के नीचे, अंडर समथिंग ब्रीज अ वेरी जेंटल विंड, बहुत ही मंद हवा होती है उसको, मीट एम ई ई टी मीट मतलब मिलना, एफ ई ए आर फेयर, फेयर मीन्स डर, फेयर मीन्स डर, मीट मीन्स मिलना, ये दो आपको, ईच मतलब हर एक चीज, ईच मीडियो अ पीस ऑफ ग्रास लैंड। लेट्स स्पेल, सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड, हर एक वर्ड में कुछ लेटर्स मिस हैं, आपको या तो डबल ई लिखना है या ई ए लिखनी है, मतलब ई ई लिखिए या ई ए, या अकॉर्डिंग टू द वर्ड, टी आर अगर आप इसमें ई ई लिख दोगे तो क्या बन जाएगा ये ट्रीज, तो वी विल हैव टू फिल हेयर डबल ई ई ई ट्रीज, इट इज ट्रीज, पी एल डैश डैश एस ई, अगर ई ए लिखोगे प्लीज बन जाएगा, ई ई लिखोगे नथिंग विल मेक, तो वी हैव टू राइट हेयर प्लीज, PLEASE प्लीज, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, इफ यू विल से डैश टी डैश डैश एस ई डैट इज टीज, आपको यहाँ पे क्या फिल करना होगा चिल्ड्रन, टीज, तो यू विल फिल टी ए टीज, टीज मतलब चिड़ाना, टी डैश डैश सी एच, तो टीच, इट विल टीच मतलब पढ़ाना, टी ई ए टी ई ए टीच, ओके अगेन टी ई ए टीच। नाउ एस एल डैश डैश पी, अगर आप पे ई ए भरोगे तो वो नथिंग विल मेक, यू हैव टू फिल इट डबल ई ई ई स्लीप, डैट मीन्स सोना, इट इज स्लीप। नेक्स्ट बीप, बीप की साउंड आती है डबल ई भरेंगे, बीप। फीट, फुट का प्लूरल फीट। नाउ नेक्स्ट मीट, अभी आपने सेल आउट में भी सीखा था एम ई ई टी मीट, ओके। आपने फेयर एफ ई आर फेयर, बीनीथ में भी ई ए आया था, ब्रीज में बी आर ई ई जेड ई आया था, ईच में ई ए आया था, मीडियो में ई ए आया था, अगर आप यहाँ पे सेल आउट में भी देखें तो आपको कहीं ना कहीं यही सिखाने की कोशिश की है, बीनीथ ब्रीज मीट
फियर ई ए आ गया, ईच ई ए आ गया, मिडियो ई ए आ गया, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी टाइम टू रिटर्न, ओके। वी हैव डन इन डिटेल द बोट्स, डिफरेंट बोट्स एंड डिफरेंट बोट राइड्स बाय डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट चिल्ड्रन एंड टाइम टेकन बाय देम। नाउ टाइम टू रिटर्न, रिटर्न यानी वापस होने का टाइम है। चिल्ड्रन इन्जॉय डिफरेंट बोट्स राइड्स टिल 4 o'clock, उन्होंने तरह तरह के डिफरेंट बोट्स इन्जॉय की 4 बजे तक। इट इज़ टाइम टू रिटर्न, अब वापस जाने का समय है। नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनी वेयर, अब वो कहीं भी नहीं रुकेंगे। एंड रीच बैक इन 2 hours, और वापस 2 hours में चले जाएंगे। सो दे शुड रीच होशंगाबाद बिकॉज दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम होशंगाबाद। तो होशंगाबाद पहुँचने में बाय दिस, तो कितने टाइम तक होशंगाबाद पहुँच जाएंगे चिल्ड्रन, यू हैव टू टेल इट। टाइम टू रिटर्न में जस्ट कैलकुलेट इट, देन आई विल टेल द आंसर। जस्ट ऐड टू इन द टाइम व्हेन दे हैव स्टॉप्ड बोटिंग, ओके। चिल्ड्रन आई विल शो यू कि हाउ टू कैलकुलेट इट आंसर। दे एंटर्ड बोट राइड्स एट 4 o'clock, जैसे कि बोला गया है 4 o'clock पर उन्होंने अपनी राइड को एंड कर लिया था, ओके। ख़त्म हो गई थी उनकी राइड और रिटर्न होने का समय हो चुका है। और नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर, वो कहीं भी नहीं रुकेंगे और 2 घंटे लगेंगे उनको। तो आपको कैलकुलेट करना है कि होशंगाबाद वो कब पहुँच जाएंगे। अब आपको पता है 4 o'clock उन्होंने ट्रिप ख़त्म की है, प्लस 2 hours उनको लगने हैं रिटर्न होने में, तो इट विल बी 6 hours, 6 o'clock। 4 o'clock में 2 o'clock ऐड करोगे तो यू विल गेट 6 o'clock, तो वो 6 o'clock तक होशंगाबाद पहुँच जाएंगे। एंड चिल्ड्रन वेन एवर यू विल राइट अ प्लेस नेम, इट विल ऑलवेज बी कैपिटल, चाहे वो सेंटेंस के एंड में आए या लास्ट में आए, डजेंट मैटर, ओके चिल्ड्रन। चिल्ड्रन नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द प्रैक्टिस टाइम, ओके। इफ यू विल सी देयर आर 4 very old केव पेंटिंग्स, बहुत ही छोटी, बहुत ही पुरानी 4 old very केव पेंटिंग है जो गुफा में उन्होंने पेंटिंग देखी थी। मार्क द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट होता है सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट मीन सबसे पुरानी। तो अब देखिए 4200 years old, 1000 years old, 8500 years old, 13 years old। तो आपको देखना है सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कौन सी पेंटिंग लग रही है आपको। वन बस कैन कैरी 48 children, एक बस 48 children कैरी कर सकती है। हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन 3 buses कैरी, एक बस में 48 आ रहे हैं तो 3 buses का आपको कैलकुलेट करके निकालना है। विच पेयर ऑफ नंबर्स एड टू मेक मोर देन 500, ये पेयर्स दिए हैं, दो दो नंबर के पेयर दिए हैं, तो इनमें से किस पेयर को ऐड करके आपको 500 से ज़्यादा, मोर देन मतलब 500 से ज़्यादा मिल रहा है। तो आपको रफली एस्टिमेट कर लीजिए, जैसे देखिए आप इसको ऐड करोगे तो ये तो कहीं से कहीं तक 500 से ज़्यादा नहीं हो रहा। सेम आप इसको देखिए क्या है, ओके चिल्ड्रन नाउ लेट्स डू इट। इनको जस्ट हमें एस्टिमेट करना है, जैसे कि आपको बताया था कि देयर आर 4 very old केव पेंटिंग्स, ये 4 केव पेंटिंग्स जो हैं वो सबसे पुरानी हैं। ओल्डेस्ट का मतलब सबसे पुरानी, जैसे 4000, ये कितना है 4200, इट इज़ ओनली 1000 year old, एक हज़ार साल पुरानी। इट इज़ 8500 years old, इट इज़ 1000, तो ये 1000 तो बहुत ही कम हो गया, 4000 और 8000, तो सबसे पुरानी जो केव पेंटिंग है वो कौन सी है, सी वाली। वन बस कैन कैरी 48 children, एक बस में 48 children आ सकते हैं, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन 3 buses कैरी, 3 buses में अबाउट आपको एस्टिमेट करना है। आपको पता है 48 इज़ नियरली 50 के पास ही हो रहा है, एक बस में 50, दूसरी बस में 50 यानी 100 हो गए, तीसरी बस में 50 यानी 150, तो इसका आंसर जो एस्टिमेट है वो 100 भी नहीं होगा, बिकॉज 100 तो सिर्फ 2 buses में आएंगे, 200 बच्चे तो फिर 4 buses में आ जाएंगे, यानी इसका जो आंसर है वो सी है, 150। विच पेयर ऑफ नंबर्स ऐड टू मेक मोर देन 500, अब यहाँ पे भी आपको ये नहीं कि इन सबको ऐड करके देखना है, ये MCQ होता है ये एस्टिमेशन करने के लिए। अगर आप देखें सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है 200, 41 अभी छोड़ दीजिए, 200 है और ये 100 है, 200 100 300, और ये आधा आधा कुछ है, यानी पूरा 100 भी नहीं बना रहे हैं, तो कहीं से कहीं तक ये भी हमारा 500 से ज़्यादा नहीं हो रहा। नाउ इट इज़ 300 और इट इज़ 100, अगेन 400 और ये 92, यानी 492 हो गया और ये 21 एक्स्ट्रा ही है, तो कहीं ना कहीं ये 500 से ज़्यादा बन रहा है। अगेन 200 एंड 100 के करीब, ये 300 है बेसिकली, पूरा एस्टिमेट कर लो 300 और ये 100, तो 400 ही हुआ। अगेन इट इज़ 401, इट इज़ 91, ये 100 भी नहीं है,
100 से कम है और ये 100 से बस 400 से बस 1 ही ज़्यादा है, तो ये भी 500 से कम ही रहेगा। बेसिकली इसका आंसर क्या है, बी 321 एंड 192। आपने सीखा मैंने कैसे एस्टिमेट किया। अगर ऐसे और क्वेश्चंस भी आते हैं आपको ऐसे ही एस्टिमेट करना है, इनको ऐड कर करके नहीं देखना होता चिल्ड्रन। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड एट द टाइम, ड्रॉ लाइंस टू मैच। यहाँ पे आपको टाइम दिए 3 PM, 6 PM, 9:10 AM, 12:30 PM, 1:30 AM, 9:30 AM। ये एस्टिमेशन है, प्रॉपर टाइम नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसके आसपास। जैसे पहला, क्रॉस द नर्मदा ब्रिज, लुक्ड एट भीमबेटका का पेंटिंग, एट द पेट्रोल पंप, बोटिंग इन द लेक, हैड लंच, रिटर्न टू होशंगाबाद। सबसे पहले तो 9 o'clock को उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी, थोड़ी देर बाद ही ब्रिज आ गया था, यानी सबसे पहले पूरी जर्नी में क्या आया था, ब्रिज। 9:10 सबसे पहले है तो 9:10 पे ब्रिज आ गया। देन लुक्ड एट भीमबेटका का पेंटिंग एंड इसके बाद एट द पेट्रोल पंप, ठीक है। अब पेट्रोल पंप पहले आ गया था, भीमबेटका का पेंटिंग बाद में आई थी, यानी पेट्रोल नर्मदा ब्रिज के बाद जस्ट कौन आ गया था, अगर आपको याद होगा, पेट्रोल पंप। तो हम पेट्रोल पंप को नेक्स्ट टाइम, जो भी 9:10 के बाद टाइम दिया है, 9:30 से मैच कर देंगे। ओके, उसके बाद भीमबेटका का पेंटिंग आई थी, ठीक है, बोटिंग लेक लंच सब बाद में हुआ था, उसके बाद भीमबेटका का पेंटिंग आ गई थी। तो भीमबेटका का पेंटिंग से हमने मिला दिया 11:30, यानी 11:30 पे क्या आ गया था इनका, भीमबेटका का पेंटिंग्स। ओके, इसके बाद पेट्रोल पंप वाला हो गया 9:30, भीमबेटका का पेंटिंग। नाउ बोटिंग इन द लेक, बोटिंग इन द लेक, जब वो 4 बजे तो बोटिंग से रिटर्न ही कर रहे थे, यानी वो 2, 3, 4 के बीच में लेक पे होंगे, तो यहाँ पे 2, 3 का कोई, 2 बजे का कोई टाइम नहीं है, 3 बजे का है। तो यू विल टेक बोटिंग इन द लेक 3 PM, हैड लंच। अब लंच उन्होंने भीमबेटका का पेंटिंग के बाद यानी 1 बजे के आसपास किया था, यानी 12:30 ही इसके आसपास लंच का टाइम मैच हो रहा है, तो 12:30 पे उन्होंने लंच किया। नाउ रिटर्न टू होशंगाबाद, ये तो क्लियर है, रिटर्न हो गए थे होशंगाबाद वो 6 o'clock पे। ओके, लाइक दिस यू हैव टू एस्टिमेट, कि आपको अपने दिमाग में ये देखना पड़ेगा, इवेंट्स को अरेंज करना पड़ेगा, व्हाट इवेंट हैपेंड व्हेन, कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ, कब उन्होंने पहले क्या नर्मदा ब्रिज आया था, या पहले भीमबेटका का पेंटिंग आई थी, या पहले उन्होंने लंच किया, या पहले वो बोटिंग पे गए, ये सब आपको अरेंज करना होगा। और इसी अकॉर्डिंग टाइम, पहले कितना बजा, फिर कितना 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 कितना, तो आपको टाइम का ज्ञान होना चाहिए कि टाइम कैसे मूव होता है एंड इवेंट्स कैसे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको अच्छे से मैच कर पाएंगे। एज आई एक्सप्लेन टू द क्वेश्चन, नाउ जस्ट ऑब्जर्व द अटेंडेंस रिकॉर्ड फॉर द पिकनिक। क्लास 1 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 46 है, नंबर ऑफ एबसेंट 2 है, तो नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, 46 - 2, दैट इज 44। नाउ क्लास 2, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 40 एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन एबसेंट टूडे इज 4। 40 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट आ जाएगा, तो 40 - 4 इज 36। यू शुड एबल टू डू दिस ओरली, ओरली आना चाहिए आपको ये। क्लास 3 में 48 स्टूडेंट है टोटल एंड निल एबसेंट कोई भी नहीं है, बिकॉज पिकनिक जाना है, देखो सब बच्चे आ गए बारिश में भी। नाउ टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स आर 48। क्लास 4, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 40 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट एबसेंट इज 2। नाउ 40 - 2, दैट इज 38। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5th क्लास 42 एंड एबसेंट निल, यानी 42 के 42 प्रेजेंट। वैसे कोई और डे होता पिकनिक नहीं जाना होता, तो मौसम के नाम पे ये जो स्ट्रेंथ है इतनी नहीं दिख रही होती चिल्ड्रन। ओके, हेयर वी हैव टेकन आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन चिल्ड्रंस डे। वी हैव टेकन आउट द टोटल प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इन ईच क्लास। नाउ कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द चार्ट, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है, एंड गिव आंसर टू द फॉलोइंग। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, हमने टोटल नंबर ईच क्लास में निकाला पर पूरे स्कूल में नहीं निकाला। देन कभी भी आपको पूरे स्कूल का टोटल करना हो, जितनी भी क्लासेस का टोटल करना हो, तो उन सब बच्चों को ऐसे रख के इनको आपस में ऐड कर देना है। सबको ऐड कर दोगे तो टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी स्कूल की, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे स्कूल के। नाउ ऐड दिस, 4 और 6 इज 10, 10 में 8 ऐड करेंगे 18, 18 में 8 ऐड करेंगे 26, 26 में 2 ऐड करेंगे 28। नाउ 8, वी विल राइट 8 हेयर एंड 2 इज कैरी फॉरवर्ड। 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और जो 2 कैरी था 20, तो 208। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है चिल्ड्रन स्कूल की पिकनिक के लिए जाएंगे, 208।
ओ सॉरी 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 चिल्ड्रन मिस्टेक क्या होगा ये मैम से कैन एनीबडी टेल. इन्होंने टोटल, इन्होंने ये नहीं पूछा कितने बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, इन्होंने पूछा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में ये यहाँ से पता लगेगा, कितने प्रेजेंट है वो यहाँ से पता लगेगा, कितने एबसेंट है यहाँ से क्या पता लगेगा एबसेंट, और यहाँ से प्रेजेंट, और यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ ऐड देम अगेन, 6 और 8, 6 और 8 इज चिल्ड्रन 14, है ना, 14 और 2 इट इज 16, 14 और 2 इज 16, 1 इज कैरी फॉरवर्डेड, 4, 4, 8, देन 4, 12, देन 4, 16, देन 4, 20 एंड 1 कैरी फॉरवर्डेड, 216, कितने चिल्ड्रन आ गए 216. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, 216 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने स्कूल में, 216 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एबसेंट इन द स्कूल. एबसेंट वाले भी टोटल कर लीजिए, 2 और 4, 6 और 2, 8 कितने हैं 8. तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एबसेंट, देखिए यहाँ पे एबसेंट दिख रहा है चिल्ड्रन, यहाँ से हमने पता लगा लिए एबसेंट कितने आए 08. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द स्कूल, जो हम फर्स्ट में कर रहे हैं ना, प्रेजेंट पूछा है. नाउ प्रेजेंट, प्रेजेंट कितने हैं ये हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया है, दैट इज 208. आप यहाँ से देखो कंफर्म भी कर सकते हैं, 208 में 8 ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 216, यानी हमारी कैलकुलेशन सही है. टोटल स्टूडेंट आ गए एबसेंट और प्रेजेंट को ऐड करके. इफ इस स्कूल बस हैज़ 40 सीट्स, हर एक स्कूल बस में 40 सीट है, देन हाउ मेनी बसेस विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 4 मतलब बेसिकली 40 है, आप 4 से कैलकुलेट कर लो, 4, 40, दूसरी बस में 40 यानी 80 हो गए, 4, 3 ज़ा 120 है ना, 4, 4 ज़ा 160, 4 का टेबल ही चलता है, एंड 4, 5 ज़ा कितना होता है 20, यानी कि 200 बच्चे कितने में आ जाएंगे, 4, 5 ज़ा 20, यानी 5 बसेज में कितने आ जाएंगे 200. अब 8 बच्चों के लिए तो अलग से बस नहीं जाएगी, अगर मान लो 10 बच्चों का अभी कम होता तो भी चले जाती, बट यहाँ पे बस सिर्फ 8 बच्चे एक्स्ट्रा जिनको हम 5 बसेज में कवर कर लेंगे. यानी आप अगर करेंगे 40 × 5 = 200, तो 200 इज़ नियर अबाउट 208, देन कितनी बसेज चाहिएगी 5 बसेस, हाउ मैनी बसेस 5 बसेस. ओके चिल्ड्रन, ओके चिल्ड्रन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ओनली 5 बसेज आर अवेलेबल देन हाउ मैनी चिल्ड्रन विल गेट सीट. 5 सीट्स ही अवेलेबल है और मैंने भी 5 ही निकाली, क्योंकि 6 में तो फिर बहुत 8 बच्चे एक बस में 40 की सीट है तो वो तो कोई वो नहीं है. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था ट्रिप टू भोपाल में, अगर 5-6 बच्चे एक्स्ट्रा होते हैं तो उनको हम अरेंज कर लेते हैं, 5 बसेज में 1-1 भी जाएंगे तो अरेंज हो जाएंगे. तो 5 बसेज अवेलेबल है तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल गेट सीट. तो 5 बसेज अवेलेबल है यानी 5 × एक बस में कितनी सीट्स होती हैं 40, यानी 200 सीट्स. तो 200 चिल्ड्रन विल गेट, 200 स्टूडेंट्स विल गेट सीट, और जो 8 बच्चे उनको भी सीट मिल जाएगी जैसे तैसे करके, वो तो अरेंज हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इसके अकॉर्डिंग हमारी 200 चिल्ड्रन को सीट मिलेगा. ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट विदाउट सीट. विदाउट सीट आपको पता है 200 सीट है, 200 चिल्ड्रन को मिल रहा है, एंड टोटल स्टूडेंट्स कितने जा रहे हैं 208, एंड सीट्स कितनी है 200, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितने बच्चे बच जाएंगे जिनको सीट्स नहीं मिलेगी, 8 चिल्ड्रन. आंसर क्या होगा इसका, 8 चिल्ड्रन, 8 चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विदाउट सीट. नाउ कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी एक्स्ट्रा सीट्स आर रिक्वायर्ड इन ईच बस सो डैट नो चिल्ड्रन विल लेफ्ट आउट विदाउट सीट. अगर देखो 8 चिल्ड्रन एंड 5 बसेज हैं, ठीक है, आपके पास कितनी बसेज हैं 5, तो 5 बसेज, 1, 2, 3, 4, 5 बसेज हैं, तो 1, 1, 1, 1, 1 5 बच्चे हो गए, देन आपको एक और यहाँ भेजना पड़ेगा 6, देन 7, देन 8, यानी 3 बसेज में 2-2 सीट्स और 2 बस में 1-1 सीट, है ना. इसका आंसर क्या होगा, आप क्या लिखेंगे, 2 सीट्स इन 3 बसेस एंड 1 सीट इन 2 बसेस, 2 बसेज में 1 सीट चाहिए और 3 बसेज में 2 सीट्स चाहिए, टोटल फिर हमारी कितनी हो जाएगी 8 सीट्स कंप्लीट हो जाएगी. ओके चिल्ड्रन,